हेलो एंड वेलकम टू वी थ्री कार्स क्या आप जानते हैं कि 2021 में क्रेटा पेट्रोल के प्राइसेस 18,000 थाउजेंड से 22,000 टू तक इनक्रीज़ हो गए हैं अगर आप पेट्रोल क्रेटा लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इस कार का सबसे सूटेबल वेरियंट चूज कर पाएंगे क्रेटा के वेरियंट्स एक्सप्लेन करने से पहले चलिए आपको इसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जैसे कि इसके ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए इस कार के बारे में सबसे पहले देखते हैं इसके अपडेटेड प्राइसेस लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्ग रहेगा क्रेटा पेट्रोल के एंट्री लेवल ई वेरिएंट का प्राइस अराउंड 18,000 थाउजेंड से इंक्रीज होके अब ऑलमोस्ट 10 लाख ,00 रुपीज हो गया है इसके बाकी सभी पेट्रोल वेरिएंट्स का प्राइस अराउंड 22,000 टू से इंक्रीज हुआ है आप अभी टेबल में क्रेटा पेट्रोल के सभी मैनुअल और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स का प्राइस देख सकते हैं ये सभी एक शोरूम प्राइसेस हैं चलिए अब क्रेटा के इंजन स्पेसिफिकेशंस देखते हैं क्रेटा का 1.5 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन 115 पीएस की मैक्सिमम पावर और 144 न्यूटन मीटर की पीक टॉक प्रोड्यूस करता है ये सेम इंजन सेल्टऑस में भी आता है विद सेम पावर एंड टॉक आउटपुट और एक एक और डस्टा के नॉर्मल पेट्रोल इंजन से थोड़ा ज्यादा पावरफुल होने के अलावा ज्यादा फ्यूल एफिशियंट भी है ये इंजन मैनुअल और सीवी दोनों ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है क्रेटा का 1.4 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 140 फोर्टी की मैक्सिमम पावर और 242 फोर्टी मीटर की पीक टॉक प्रोड्यूस करता है ये इंजन सिर्फ सेवन स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगा ये सेम इंजन सेल्टॉस में भी सेम पावर और टॉक आउटपुट देता है लेकिन सेल्टॉस में ये सेवन स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अलावा सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी अवेलेबल है डस्टर और किस में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आता है जो क्रेटा के इंजन से ज्यादा पावरफुल है टर्बो पेट्रोल इंजन के केस में सभी कार्स की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी सिमिलर है चलिए अब क्रेटा के डायमेंशन देखते हैं क्रेटा सी सेगमेंट एस्यू है और इसकी लेंथ फोर मीटर से ज्यादा है डायमेंशन के केस में क्रेटा सेल्टॉस किक्स और डस्टर तीनों से छोटी है क्रेटा और सेल्टॉस दोनों का व्हील बेस सेम है और सिर्फ क्रॉस से ही बड़ा है इस सेगमेंट में डस्टर का बूट सबसे ज्यादा स्पेशियस है और किक्स की ग्राउंड क्लियरेंस मैक्सिमम है सी सेगमेंट में सभी एसयी के लो वेरियंट में आपको सिक्सटीन इंच का व्हील साइज मिलेगा लेकिन और किक्स की तरह क्रेटा के हायर वेरिएंट्स में 17 इंच व्हील्स आते हैं चलिए अब क्रेटा के वेरिएंट वाइज फीचर्स देखते हैं क्रेटा ई वेरिएंट का प्राइस अब 10 लाख रुपीस है प्राइस इंक्रीज करने के अलावा ने इस वेरिएंट से टायर प्रेशर वार्निंग सिस्टम और कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसे फीचर्स भी रिमूव कर दिए हैं बेसिक सेफ्टी फीचर्स के अलावा इस वेरियंट में प्रोजेक्टर हेड हेडलैम्प्स डे नाइट आई और स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक और इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स आते हैं आप क्रेटा ई e के सभी सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स अभी टेबल में देख सकते हैं बेस वेरियंट के कुछ की फंक्शनल फीचर्स हैं फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज़ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओ आर वी एम्स टिल्ड स्टेयरिंग रियर ए सी वेंट्स हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एंड फ्रंट आर्म रेस्ट बॉडी कलर डोर हैंडल्स ओ आर वी एम्स एंड बम्पर्स के अलावा फुल व्हील कवर्स और फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील इसके की स्टाइल रिलेटेड फीचर्स हैं आप अभी टेबल में क्रेटा ई के सभी फंक्शनल एंड स्टाइल रिलेटेड फीचर्स देख सकते हैं इस वेरियंट में कुछ मस्ट हैव फीचर्स मिसिंग हैं जैसे ऑडियो सिस्टम विथ स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट रियर पार्किंग कैमरा रियर वाइपर एंड डीफॉगर आपको क्रेटा का ई e वेरियंट लेना चाहिए या ई e एक्स पे अपग्रेड करना चाहिए इसका आंसर हम आपको नेक्स्ट वेरियंट की डिटेल्स में देंगे <śle JESS dafür> क्रेटा ई e से ई e एक्स वेरियंट का अपग्रेड अब ऑलमोस्ट एटी थ्री थाउजेंड रुपीज़ का है कई स्टेट्स में इन वेरियंट्स के ऑन रोड प्राइस का डिफरेंस वन पॉइंट टू लाख रुपीज़ तक जाएगा क्योंकि टेन लाख रुपीज़ से ज़्यादा प्राइस होने पर ई एक्स वेरियंट पर ज़्यादा टैक्स लगेगा ये प्राइस पे करके कुछ एडिशनल फीचर्स मिलेंगे जैसे 8 इंच टच स्क्रीन इन्फरटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कापले एंड्रॉइड ऑटो एंड स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स फ्रंट यू चार्जर सनग्लास होल्डर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और शार्क फिन एंटेना ई एक्सवेरियंट में ई e के ऊपर जो भी फीचर्स आते हैं उन्हें आप अभी टेबल में देख सकते हैं इन फीचर्स के लिए एटी थ्री थाउजेंड रुपीज़ का एडिशनल अमाउंट ज़्यादा है वी वुड नॉट रिकमेंड बाइंग द ई एक्सवेरियंट क्योंकि ये अपग्रेड एक्सपेंसिव है एंड वी वुड नॉट रिकमेंड द ई वेरियंट आइदर क्योंकि उसमें उसके प्राइस के अकॉर्डिंग कई बेसिक फीचर्स ही मिसिंग हैं चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एस वेरियंट में क्या एक्स्ट्रा आता है क्रेटा ई एक्स से एस वेरियंट का अपग्रेड वन पॉइंट टू थ्री लाख रुपीज का है इस वेरियंट के की एडिशनल सेफ्टी फीचर्स हैं रियर पार्किंग कैमरा ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर फॉग लैम्प्स रियर डिफॉगर और रियर वाइपर एंड वॉशर इस वेरिएंट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल एंड स्टाइल रिलेटेड फीचर्स हैं ऑटोमेटिक हेड हेडलैम्प ऑटो ए स्मार्ट की विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप क्रूज कंट्रोल रियर विंडो सनशेड रूफ रेल्स और स्टाइल्ड स्टील व्हील्स आप अभी टेबल में क्रेटा एस के वो फीचर्स देख रहे हैं जो ई एक्स वेरियंट के ऊपर आते हैं हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग एस वेरियंट में एडिट फीचर्स के लिए इस पर अपग्रेड करना एक्सपेंसिव है हवेव इस वेरियंट में इस प्राइस पॉइंट पे जो फीचर्स आने चाहिए मोस्टली वो आते हैं बट एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट इस वेरियंट के नोटेबल मिसिंग फीचर्स हैं अगर आप और बजट स्ट्रेच नहीं करना चाहते तो वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज करके इस वेरियंट को कंसिडर कर सकते हैं चलिए अब क्रेटा एस एक्स की डिटेल्स देखते हैं क्रेटा एस से एस एक्स वेरियंट का अपग्रेड वन पॉइंट सेवन फोर लाख रुपीज का है इस इंक्रीमेंटल कॉस्ट के लिए आपको सेफ्टी एंटरटेनमेंट फंक्शनल और स्टाइल रिलेटेड फीचर्स मिलेंगे और सेफ्टी के अलावा मोस्टली सभी फील गुड फीचर्स हैं सेफ्टी के परस्पेक्टिव से इस वेरियंट के की एड ऑन फीचर्स हैं रियर डिस्क ब्रेक्स इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हिल स्टार्ट असिस्ट और एल ई डी हेडलैम्प्स एज फार एज इंटरटेनमेंट रिलेटेड एडिशनल फीचर्स का कंसर्न तो इस वेरियंट में बड़ा टेन पॉइंट टू फाइव इंच टच स्क्रीन मिलेगा इस वेरियंट में एडेड की फंक्शनल फीचर्स हैं ऑटो फोल्डिंग ओ rear वी एम्स रियर आर्म रेस्ट रियर हेड रेस्ट क्वेश्चन वायरलेस चार्जर एंड सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट रियर सीट विद टू स्टेप प्रिकलाइन यानी रियर सीट के बैक का एंगल एडजस्टेबल है इस वेरिएंट में एडिड फंक्शनल फीचर्स प्राइमरली रियर सीट फोकस्ड हैं कॉस्मेटिक फीचर्स की बात करें तो सेवनटीन इंच एलॉय व्हील्स एल ई क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल्स और लेदर रैप्ड व्हील के अलावा इसी से आपको सनरूफ भी मिलेगी इन सब फीचर्स के साथ साथ और भी कुछ फीचर्स हैं जो एसएक्स वेरियंट में एस वेरियंट के ऊपर आते हैं और इन सबको आप अभी टेबल में देख सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग क्रेटा का एस एक्स वेरियंट इसके सभी वेरियंट से ज़्यादा वैल्यू डिलीवर करता है और ये फीचर्स वाइज भी कंप्लीट है सो वी वुड रिकमेंड बाइंग एस एक्स वेरियंट इस वेरियंट में हमारे अकॉर्डिंग ऑटोडिमिंग आई आर एक मेजर मिसिंग फीचर है एस एक्स वेरियंट ऑनवर्ड्स क्रेटा में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी आता है चलिए देखते हैं उसमें क्या एक्स्ट्रा आता है और आपको कितना एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा क्रेटा 1.5 पेट्रोल में एस एक्स मैनुअल से एसएक्स सीवी टी का अपग्रेड 1.48 लाख रुपीज का है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और एसएक्स मैनुअल के सभी फीचर्स जो आपने अभी देखे उसके अलावा इसमें फाइव फीचर्स एक्स्ट्रा आते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एयर प्योरिफायर ट्रैक्शन कंट्रोल ड्राइव मोड्स और पैडल शिफ्टर्स इन फीचर्स और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए 1.48 लाख रुपीस ऑलमोस्ट जस्टिफाई होते हैं तो क्या आपको क्रेटा 1.5 पॉइंट फाइव का एस एक्स लेना चाहिए या इसके एसएक्स ऑप्शनल वेरियंट पर अपग्रेड करना चाहिए इसका आंसर हम आपको नेक्स्ट वेरियंट की डिटेल्स में देंगे क्रेटा 1.5 पॉइंट पेट्रोल ऑटोमेटिक में एसेक्स ऑप्शनल वेरियंट का अपग्रेड 1.20 लाख रुपीस का है और इस वेरियंट में कुछ सेफ्टी फंक्शनल और स्टाइल रिलेटेड फीचर्स ऐड होते हैं इस पेरियंट के की एडिशनल फीचर्स हैं साइड इन इनकर्टन एयरबैग्स ऑटोडिमिंग आई आर वी एम बोज साउंड सिस्टम एट इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स पावर ड्राइवर सीट और लेदर अपहोलसरी इसमें मशीन अलॉय व्हील्स भी आएंगे लेकिन व्हील साइज़ सेवनटीन इंच ही रहेगा इस पेरियंट में एसएक्स वेरियंट के ऊपर ऐड हुए सभी फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं क्रेटा के एसएक्स से एस एक्स ऑप्शनल वेरियंट पर इसके सेफ्टी और फील गुड फीचर्स के लिए अपग्रेड किया जा सकता है ये वैल्यू वाइज सेंसिबल अपग्रेड होगा सो क्रेटा वन पॉइंट के दोनों ही वेरिएंट्स वर्थ पाइंग है चलिए अब क्रेटा टर्बो पेट्रोल की डिटेल्स देखते हैं क्रेटा 1.5 CVT SX वेरिएंट से 1.4 टर्बो DCT SX वेरिएंट का अपग्रेड 1.22 लाख रुपीस का है इंजन और ट्रांसमिशन अपग्रेड के अलावा इस वेरिएंट में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस भी हैं बोथ ऑन द आउटसाइड एंड इनसाइड बाहर से मेजर चेंज है ट्विन टिप रियर एग्जॉस्ट डार्क क्रोम फ्रंट ग्रिल ब्लैक स्किट प्लेट्स और डिफरेंटली डिजाइन व्हील्स। इसमें इंटीरियर डूल टोन ब्लैक ग्रेज की जगह ऑल ब्लैक मिलेगा विद ऑरेंज इन ये सब एक्स्ट्रा फिटिंग्स प्राइमरीली कॉस्मेटिक हैं हमारे अकॉर्डिंग ये पार्ट्रेन और कॉस्मेटिक अपग्रेड्स थोड़े एक्सपेंसिव साइड पर हैं अगर आप परफॉर्मेंस के लिए वैल्यू पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और 1.4 लीटर टर्प पेट्रोल इंजन ही ले रहे हैं तो आपको एसएक्स वेरियंट लेना चाहिए एसएक्स ऑप्शनल इसका आंसर हम आपको नेक्स्ट वेरियंट की डिटेल्स में देंगे क्रेटा के टर्बो पेट्रोल इंजन का एसएक्स ऑप्शनल वेरियंट एसएक्स वेरियंट के ऊपर 1.04 लाख रुपीज ज्यादा कॉस्ट करता है हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग एसएक्स ऑप्शनल वेरियंट में एडिट फीचर्स के लिए एडिशनल 1.04 लाख रुपीज स्पेंड करना कंप्लीटली वर्थ है तो अगर आप क्रेटा 1.4 ही लेने की सोच रहे हैं तो वी वुड रिकमेंड कि आप एसएक्स ऑप्शनल वेरियंट ले लें अब क्रेटा के सभी वेरिएंट्स को सम अप करते हैं सो so दैट आपके लिए चूज करना है तो कर लीजिए और so नोटिफिकेशन क्रेटा के वन पॉइंट फाइव लीटर पेट्रोल इंजन को अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ले रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग आपको इसका एसेक्स वेरियंट लेना चाहिए ये सूटेबली प्राइज है और इसमें मस्ट का अच्छा मिक्स है अगर आप क्रेटा का कोई अफोर्डेबल वेरिएंट लेना चाहते हैं तो एस वेरिएंट ले सकते हैं इस वेरिएंट को लेके आप वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे बट यू गेट मोस्ट ऑफ द मस्ट हैव फीचर्स ई वेरिएंट में बेसिक मस्ट हैव फीचर्स मिसिंग है और ई एक्स वेरियंट पर अपग्रेड वैल्यू और फीचर्स वाइज सेंसिबल नहीं है लास्ट टाइम हमने ई वेरियंट बजट बायर्स के लिए रिकमेंड किया था विद द सजेशन इसे लेकर ऑडियो सिस्टम रेट्रोफिट करवा लें नाउ वी फील दैट दिस वेरियंट कॉम्प्रोमाइज अलॉट ऑन मस्ट है का बेस वेरियंट लेने से बेटर होगा कि आप कोई और सुटेबली लोडेड कार ले लें क्रेटा वन पॉइंट फाइव पेट्रोल सी वी टी के केस में भी आपको एस एक्स वेरियंट लेना चाहिए इसमें ऐड हुए फीचर्स और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए ये क्रेटा वन पॉइंट फाइव पेट्रोल मैनुअल के ऊपर सेंसिबल अपग्रेड होगा इस पावर ट्रेन का ये हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरियंट है इस पार्ट्रेन के साथ एसएक्स ऑप्शनल वेरियंट का भी ऑप्शन है और ऐसे बायर्स जो सिक्स एयरबैग्स और बाकी एडिशनल फील गुड फीचर्स के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस वेरियंट पर अपग्रेड कर सकते हैं बेटर परफॉर्मेंस और कॉस्मेटिक फीचर्स के लिए अगर आप 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ले रहे हैं तो वी वुड रिकमेंड कि आप एसएक्स ऑप्शनल वेरियंट ले लें ये वैल्यू वाइज बेटर ऑप्शन है चलिए अब देखते हैं क्रेटा में कौन से एक्सटीरियर कलर ऑप्शन आते हैं के 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में सेवन मोनोटोन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन आते हैं सिल्वर वाइट रेड ब्लू ऑरेंज ब्लैक और ग्रे इसके टर्बो पेट्रोल वर्जन में दो डुअल टोन ऑप्शन हैं व्हाइट विद ब्लैक रूफ एंड ऑरेंज विद ब्लैक रूफ और एक मोनोटोन ऑप्शन है ग्रीन मुझे पर्सनली इसमें ब्लैक कलर पसंद है और इसी के साथ खत्म होता है ये वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो वी होप इसे देखने के बाद आप अपने लिए क्रेटा पेट्रोल का राइट वेरिएंट चूज कर पाएंगे अगर क्रेटा से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हैं या हमारे वीडियोज़ के रिगार्डिंग सजेशन हैं तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं